आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है लॉर्ड कृष्णास मैसेज एंड एडवाइस फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे आपके सामने तीन पिक्चर्स है, आपको वही पिक्चर सेलेक्ट करना है जो आपको ज्यादा आकर्षित कर रहा हो, और आप एक से ज्यादा पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कीजिए और आप आ जाएंगे अपनी रीडिंग्स में। तो मैं मिलूंगी आपके रीडिंग्स में। जिन लोगों ने पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जो पहला कार्ड आया है वो है मून का कार्ड, फिर दूसरा है नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड, और जो है फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, और लास्टली हमारे पास है सेवन ऑफ सोर्स। तो मून कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ तो डिस्टर्बिंग हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, और आप रातों को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे चीटिंग का भी एनर्जी दिख रहा है कि किसी ने आपका हक आपको नहीं दिया, या फिर इनजस्टिस आपके साथ हुआ है। ओके, शायद ये कोई इंसान हो सकता है जो आपके साथ कंपटीशन करना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपको कहीं से निकालना चाहता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको आपका हक नहीं दिया गया है। आप जो चाहते थे आपको वो नहीं दिया गया है, और आपको बताया जा रहा है कि अगर आप कंपटीशन फील कर रहे हैं, कोई इंसान आपको नीचे खींचना चाहता है, तब आपको बताया जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। ओके, आपको कॉन्फिडेंस ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करेंगे और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, तब आप शायद चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ओके, आप लॉन्ग टर्म के बारे में उतना ज़्यादा अभी सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है। अभी आपको जो है प्रेजेंट सिचुएशन में जो राइट डिसीजन आपको लेना है, उस बारे में आपको सोचना है। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिचुएशन जो है उसमें आपको शायद बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और आपको शायद आपका माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ रहा है। ओके, तो आपको कुछ चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इम्पॉसिबल है आपके लाइफ में। ओके, लेकिन आपके लिए जो लॉर्ड कृष्णा का मैसेज आ रहा है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल लॉर्ड कृष्णा बना सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए आज का मैसेज है इस रीडिंग में। ओके, कि चाहे देर हो, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ये पॉसिबल है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद कुछ तो ऐसा है जो आपसे दूर है, शायद ये आपका हक हो सकता है, आपका कोई चीज़ हो सकता है, आपका कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर कोई इंसान हो सकता है, कुछ तो ऐसा है जो आपसे बहुत दूर है, और आपको बताया जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में आएगा, लेकिन उसके लिए शायद आपको शायद वेट करना पड़ सकता है। ओके, शायद आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओके, आपको बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, इस चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तो यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, अगर आप फाइट नहीं करेंगे, तब आप चीज़ों को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो यही आपका मैसेज है। तो और एक कंफर्मेशन कार्ड लेते हैं लॉर्ड कृष्णा, आप पाइल नंबर वन को क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे फायर है इस पिक्चर में, तो आपको मिला है सेलेक्शन कार्ड। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ तो आपको डिसीजन लेना है। शायद ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये डिसीजन लेना है, क्योंकि ये डिसीजन ही आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में स्टक है, आप अनस्टक हो सकते हो अगर आप राइट डिसीजन लेते हो इस टाइम पे। तो आपको भरोसा करना है, आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है कि अगर आप एक्शन लेंगे, अगर आप इस टाइम पे अपना जो डिसीजन लेंगे, जो कि राइट डिसीजन आप लेंगे, तब आपको फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो बिना रिजल्ट के बारे में सोच के आपको एक्शन लेना है, यही आपको बताया जा रहा है।
तो और कुछ कार्ड्स लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा प्लीज बताइए ना, जिन लोगों ने पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है, जब वो लोग ये वीडियो देखेंगे तब आप उन लोगों को क्या बताना। ओके, आपके लिए कार्ड आया है चंद्रा द मून। आप देखिए यहाँ पे क्या सा ये कोइंसिडेंस है, या फिर आप बोल सकते हैं डिवाइन का कंफर्मेशन है कि आपको मून कार्ड ट्वाइस मिल गया, टैरो कार्ड से भी मिला है। यहाँ पे आपको चंद्रा जो है गॉड ऑफ द मून कार्ड भी आपको मिल गया है, तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में कुछ इमोशनल चल रहा है। जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जितनी भी एंग्जाइटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी भी स्ट्रेस है आपके लाइफ में वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितने भी डिफ़िकल्टीज है उससे आप बाहर निकल सकते हैं, जो भी इल्यूशन है आपके लाइफ में उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ओके, ये पॉसिबल है जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखेंगे। ओके, इमोशंस कभी कभार अच्छा होता है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ इमोशन हो गया तब वो हमें पेन दे सकता है। तो यहाँ पे ये कार्ड इमोशंस के बारे में बता रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है टाइम। टाइम के साथ सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके, अगर आप एक डिसीजन लेंगे आज इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए तब आप निकल पाएंगे इन द फ्यूचर, लेकिन उसके लिए आपको अपना जो है टाइम भी देना पड़ेगा, आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा और आपको तैयार रहना पड़ेगा। ओके, कभी कभार हमें अपने लाइफ में किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, और कभी कभार अगर आसपास बहुत नेगेटिविटी है तो हमें अपना सर्कल ही चेंज करना पड़ता है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट समझना है और उसके मुताबिक ही आपको डिसीजन लेना है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आपका तो एम एक ही चीज़ है जो कि है आपका सोल का हैप्पीनेस। ओके, और वो आपको मिलने वाला है। तो और एक कार्ड लेते हैं, जब वो लोग ये वीडियो देखेंगे पाइल नंबर वन को। ओके, यहाँ पे भी कार्ड है, प्रोटेक्शन का कार्ड आया है आपके लिए पाइल नंबर वन, और यहाँ पे कार्ड है हेल्प इज़ ऑन द वे। ओ माय गॉड, पाइल नंबर वन, यहाँ पे तीनों कार्ड आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको जो है फुल प्रोटेक्शन, हेल्प और ग्रेस मिल रहा है। सिर्फ आपको मांगना है, सिर्फ मांगने की देर है, और बाद में अगर आप मांगेंगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। ओके, तो आप मांगना शुरू कर दीजिए पाइल नंबर वन, क्योंकि आपके लिए ये तीनों कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है कि आगे आपको वही मिलेगा जो आप मांगेंगे। ओके, आपको मांगना शुरू करना है, आपको वही मिलेगा जो आप प्रे करेंगे, आपको वही मिलेगा जो आप डिवाइन से मांगेंगे। ओके, अगर आप डिवाइन से कुछ मेटेरियलिस्टिक मांगेंगे तो आपको मेटेरियलिस्टिक मिलने वाला है, अगर आप डिवाइन से कुछ स्पिरिचुअल मांगेंगे तो आपको स्पिरिचुअल मिलने वाला है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या मांगना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको सच ही देगा, क्योंकि सच्चाई से आपको रूबरू कराएगा। ओके, तो सच यही है कि आप जो भी चाहते हैं, ओके, अगर आपका इमोशन, अगर आपका इंटेंशन जो है वो सही है तो आपको डिवाइन सब कुछ देंगे, क्योंकि जो भी आप मांग रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए और आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से। ओके, आपको कम्प्लीटली सरेंडर होना है। ओके, तभी आपको डिवाइन का ये हेल्प मिलने वाला है। तो एक फ्यूचर के लिए कार्ड लेते हैं, फ्यूचर के लिए प्लीज़। ओके, फ्यूचर के लिए नाइन ऑफ कप्स पाइल नंबर वन। ओके, नाइन ऑफ कप्स, तो नाइन ऑफ कप्स एक फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये सेटिस्फेक्शन का कार्ड है, और आपको बताया जा रहा है कि आपको सुख मिलने वाला है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। इन फ्यूचर आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, आप यूनिवर्स को थैंक करेंगे। ओके, और आप कंप्लीटली एक दूसरे लाइफ एक जिएंगे जहाँ पे आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा आपके लाइफ में। ओके, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो अचानक ही ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। जब हम लोग ने फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश किया तो हमको एक अलग ही पहलू देखने को मिला, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे अपने लाइफ में, और आप बहुत ज़्यादा
डीपली काम करेंगे, ओके, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, ओके, तभी आपको ये जो है फुलफिलमेंट का एनर्जी फील होगा अपनी लाइफ में। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सच्चाई की जीत हमेशा होता है और आपको भी जीत मिलने वाला है, लेकिन आपको संघर्ष भी करना है, ओके। तो पाइल नंबर वन, प्लीज टाइप कीजिए इन द कमेंट सेक्शन दैट द ग्रेट मैन राइजेस एंड द ईवल रिटायर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी दूसरे कुछ और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन लोगों ने पाइल नंबर टू सेलेक्ट किया है, आप उन लोगों को क्या बताना चाहते हो? तो पाइल नंबर टू, मुझे ऐसा लग रहा है आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था। शायद ये रिवॉर्ड के बारे में हो सकता है, शायद ये रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। तो आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, आप रेस्पेक्ट चाहते थे, आपको वो नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था, ओके। आपने अपने माइंड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट किया था, ओके, आपके लाइफ का, ओके, और वो आपके सामने आपने उसको रियलिटी में नहीं देखा है। तो वो जो एक फीलिंग होता है, ओके, जब हमारा जो है एक्सपेक्टेशन, ओके, रियलिटी से नहीं मिलता है, ओके, जो एक्चुअल आउटकम होता है और जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम होता है वो मैच नहीं होता है, तब क्या होता है? तब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, कंफ्यूजन होता है, ओके, और हम अपने लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वही हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप फील कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी फील कर रहे हैं कि आपको वैसे नहीं ट्रीट किया गया जैसे आपको ट्रीट करना चाहिए था। शायद आपने कुछ ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को आपका काम इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि आपने उसको बहुत ही ओरिजिनल, ऑथेंटिक कल्चर से जुड़ के आपने उसको प्रेजेंट किया है, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वर्क आपने किया है, और आपको लोगों ने उतना रेस्पेक्ट नहीं दिया क्योंकि आपने अपने ट्रेडिशन को शो किया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेस्पेक्ट किसी और चीज़ के लिए नहीं मिला है। जो भी है कि आपको उतना नहीं मिला जितना आप डिज़र्व करते थे। तो आपके माइंड में यही चल रहा है कि आपको तो ये पोजीशन मिलना चाहिए था। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको डिस्कवर करना है अपने अंदर का करेज, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गया नहीं है, वो अब भी आपके पास है, ओके। तो यही आपको बताया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि अपॉर्चुनिटी तो है, शायद एक जगह नहीं लेकिन दूसरा जगह हो सकता है, शायद एक डोर ब्लॉक है, क्लोज हो गया तो दूसरे जगह आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो है, ओके। तो आपको ये कन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि अबांडेंस भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, ओके। और आपको बताया जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, ओके। एक चीज़ अगर वर्क नहीं किया तो आप उसके बारे में सोच सोच के आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको ये होने नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ओके। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको डिज़ायर जो है रिजल्ट मिलने वाला है। तो और कार्ड्स लेते हैं, क्या बताना चाहते हो पाइल नंबर टू? तो दोनों ही कार्ड आपको अपने बारे में बता रहा है, आपके माइंड स्टेट के बारे में बता रहा है कि सब कुछ आपके दिमाग में ही है, सब कुछ आपके माइंड में ही है, सब कुछ आपके अंदर ही है। जो आप दूसरे इंसान से चाहते हो कि वो आपको अप्रिशिएट करे, ओके, आप क्यों नहीं खुद को अप्रिशिएट करते, ओके, आप क्यों दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करते हो, ओके। तो यही आपको बताया जा रहा है कि खुद को प्यार करना सीखिए, तब आप दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो, ओके। तो और कुछ कार्ड्स लेते हैं, जाते हो। तो ये जो बलराम कार्ड है, ये आपको बल के बारे में बता रहा है, बल दैट इज आपके पास कितना स्ट्रेंथ है, ओके। स्ट्रेंथ जितना
आप अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हो और आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे जो मैसेज आया है कि आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे। ओके, तो सब कुछ आपके माइंड में ही है। जब आप सोचेंगे कि आप बहुत स्ट्रांग हैं तब आप लड़ पाएंगे, जब आप सोचोगे कि आप वीक है तब आप लड़ नहीं पाओगे। तो आपको बलराम जी का जो है स्ट्रेंथ वो आपको याद करना है। ओके, क्योंकि बलराम जी कितने पावरफुल थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। इतना स्ट्रेंथ था उनके पास कि वो ईवल फोर्सेस से आसानी से मुकाबला कर सकते थे। तो आपको इतना सोचना है कि आप भी वो कर सकते हैं। तो फ्यूचर के बारे में काट लेते हैं कि साथ क्या होने वाला है। ओके, तो आपको मिला है गुडनेस राइजिंग का कार्ड। ओके, तो आपको मिलने वाला है सक्सेस। अगर आप किसी एक ईवल चीज़ से मुकाबला कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल रहा है। ये सेम एनर्जी मैंने रीडिंग वन में भी देखा है कि आपको अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ से आपका मुकाबला हो रहा है तो आपको ही अंतिम जीत मिलने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए जो है हार्डवर्क करना है। ओके, तो आप आगे बढ़ रहे हो, ये कार्ड यही बता रहा है। आपको सक्सेस मिल रहा है ये कार्ड यही बता रहा है। ओके, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपको मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड है फ्यूचर के बारे में। अगर आप किसी को मिलना चाहते हो तो ये कन्फर्मेशन है कि यस है। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अपने बिजनेस में तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये जनरल हैप्पीनेस के बारे में बता रहा है कि एज अ होल ये बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्यूचर में। तो एज अ होल आपको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में मैजिक तभी होगा जब आप अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। ओके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि मैजिक हैपन्स व्हेन आई स्टे कनेक्टेड विद इन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरे कुछ और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आप उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं जब उदोग तो आपको बताया जा रहा है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप कितना कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कितने ऑब्स्टिकल को आप पार कर सकते हैं, कितना कुछ आप फेस कर सकते हैं, यही आपको बताया जा रहा है कि आप का जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि कभी कभी हमारे लाइफ में हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखना पड़ता है, हमें किसी चीज़ को भुलाना पड़ता है क्योंकि हमें आगे बढ़ना होता है। ओके, और कभी कभी चाहे हम जितना भी कोशिश करें, ओके, हम सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है कि सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे सच्चाई कितना भी कड़वा है आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि शायद किसी चीज़ को लेट गो करना शायद आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आप जो पाना चाहते हैं आप तो पा लेंगे, लेकिन शायद उसके लिए आपके लिए कुछ और ही सोर्स हो सकता है। ओके, उसको पाने के लिए कुछ और सोर्स हो सकता है। ओके, तो यही आपको बताया जा रहा है कि आप काम जो है विदाउट डिज़ायर कीजिए। ओके, फुल डेडिकेशन के साथ कीजिए। ओके, पर आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे तब आप जो है एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, तो बिना रिजल्ट के बारे में सोचे आप काम कीजिए, तभी आप अपने काम को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं। इन लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है। ओके, आपको प्रोटेक्शन का कार्ड मिला है। तो ये प्रोटेक्शन कार्ड यही बता रहा है कि अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पैसा मिलने वाला है। अगर आप ब्लेसिंग्स के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं। पाइल नंबर 3 सेलेक्ट कीजिए बोलो। यहाँ पे गोपाल का कार्ड मिला है, यमुना देवी का कार्ड मिला है,
माँ काली का कार्ड मिला है और महादेव शिवा का कार्ड मिला है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप जो भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो, ये डिफ़िकल्टी आप इसलिए फेस कर रहे हो क्योंकि आप अपने लाइफ से अनवांटेड चीज़ को डिस्कार्ड कर रहे हो और आप अपना रास्ता बना रहे हो। ओके, रास्ता बना रहे हो ऐसी चीज़ प्राप्त करने का रास्ता जो कि बहुत ही प्रीशियस है और उसके लिए डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस चीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, उस चीज़ को सिर्फ आप प्यार से ही प्राप्त कर सकते हैं, आप उस चीज़ को सच्चाई से ही प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आपको उस चीज़ को समझना है कि इस चीज़ में आप फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते, आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है। तो फ्यूचर के लिए कार्ड लेते हैं, नंबर 3 के फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्लीज़ एक कन्फर्मेशन। रीयूनियन और कल्टिवेटिंग वर्च्यूज। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि आप इन द फ्यूचर बहुत सारे गुड हैबिट्स को अपने लाइफ में लाने वाले हो, आप रीयूनाइट होने वाले हो, किसी एक अपने विश को आप फुलफिल करने वाले हो। ओके, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओके, रिलेटेड टू वर्क एंड रिलेशनशिप, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो पाइल नंबर 3 प्लीज़ टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आई गो विद द फ्लो, आई हैव पेशेंस इन माई लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरे कुछ और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।